नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर की खास खबरों के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। खेड़ा अफगान के गांव धुराला में फिर मिले कोरोना संक्रमित। सहारनपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के साथ खेड़ा अफगान के निकटवर्ती गांव धुराला में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार धुराला में बुधवार को आई रिपोर्ट में दो बच्चों सहित एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, गांव में पहले भी 5 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। सहारनपुर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, बैंकों व एटीएम पर की चेकिंग। एसएसपी के निर्देशन में जनपद में बैंक व एटीएम पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत सहारनपुर पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में बैंक एटीएम पर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। फ्लश के गड्ढे में डूबने से युवक की मौत, हत्या की आशंका। नकुड़ के मोहल्ला बंजारन निवासी महराज राणा उर्फ नानू की अपने ही घर के अंदर निर्माणाधीन फ्लश के गड्ढे में शव मिलने से सनसनी फैल गई। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मोहल्ले के लोगों की मदद से शव निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने हत्या की आशंका भी जताई। निर्यात निगम चौकी इंचार्ज ने मेडिकल स्टोर वालों को दी नसीहत। निर्यात निगम चौकी इंचार्ज सुशील कुमार यादव ने अपने क्षेत्र में मेडिकल स्टोर वालों से अपना लाइसेंस अपने पास रखने की नसीहत दी है और कहा कि जिसके नाम से लाइसेंस होगा वही मेडिकल स्टोर पर बैठेगा। यदि कोई भी विक्रेता डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाई देते हुए मिला तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। उद्योगों के फिक्स डिमांड चार्ज में मिली राहत। जी हां, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आने वाले उत्पादन इकाइयों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के विद्युत देयकों पर दी गई आंशिक छूट को मुख्यमंत्री द्वारा उद्योगों एवं व्यापारियों के फिक्स डिमांड चार्ज में राहत के रूप में हस्तांतरित किए जाने का फैसला लिया गया है। मंदिर में अज्ञात चोरों का धावा, इन्वर्टर बैटरा सहित उड़ाया दान पात्र। कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम चक खिजरपुर स्थित शिव मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर इन्वर्टर बैटरा दान पात्र उठा ले गए। चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बेहट पुलिस जांच में जुटी हुई है। जनता देश संगठन ने फूका चीन का पुतला। जनता देश संगठन के जिलाध्यक्ष गुफरान मलिक के नेतृत्व में सहारनपुर कलेक्ट्रेट पर चीन का पुतला फूका गया। वे जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने भारत सरकार से चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। रामपुर मनिहारन में 3 दिन पहले गांव संभलहेड़ी में पति पत्नी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बुधवार को गाँव शेरपुर में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से गांव में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने तुरंत आसपास के क्षेत्र को सीज कर मरीज को इलाज के लिए भेज दिया। वहीं प्रशासन अब मरीज के संपर्क में आए व्यक्तियों की जांच में जुट गया है। बताया गया है कि उप व्यक्ति दिल्ली में काम करता था और 2 दिन पूर्व ही अपने गांव लौटा था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपके शहर सहारनपुर की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।